एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ माय फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ दिस मंथ। ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है, आप लोगों ने बहुत सारे इसके लिए भर भर के कमेंट करे थे कि दी ये लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ। तो इस मंथ के मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट लेकर आ गई हूँ। मुझे चूज करने में काफ़ी दिक्कत हुई है कि ये वाला सेलेक्ट करूँ या ये वाला करूँ, तो ये तो रहता ही यार हम लोगों को। तो मैं सेलेक्ट कर तो लेकर आ गई हूँ। तो गाइज़, आप लोग मुझे DM कर रहे थे कि दी वीडियो नहीं आई, वीडियो नहीं आई। कल मैं लाइव आई हुई थी तो आप लोग बार बार कर रहे थे कि दी वीडियो कब आएगी। तो गाइज़, अब से एक दिन छोड़कर ही वीडियो चैनल पर आएगी। मैं डेली वीडियो नहीं अपलोड करूँगी, बिकॉज मैं कुछ और प्लान कर रही हूँ, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट प्लान कर रही हूँ, जल्दी ही बताऊँगी आप लोगों को। तो गाइज़, अभी तो एक दिन छोड़कर ही चैनल पर वीडियो आएगी, आप लोग उसे इंजॉय करिए। और धमाका गिव अवे भी अनाउंस होने वाला है, उसके टास्क मैं आपको जिस दिन अनाउंसमेंट होगा उसी दिन शेयर करूँगी। आप लोग उस दिन देख लीजिएगा क्या अनाउंसमेंट है, क्या टास्क है, क्या कुछ बता रही हूँ। और जो विनर होगा उसका भी मैंने कल लाइव में आपको बताया हुआ था, जिन्होंने लाइव अभी तक नहीं देखा है जाके चेकआउट कर लीजिए। और जो चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल पर हर 10 दिन में गिव अवे अनाउंस होते रहते हैं, विनर्स विन करते रहते हैं, आप भी जल्दी से पार्टिसिपेट कर लीजिए। क्या पता कौन सा गिव अवे आप विन कर जाए, तो जल्दी से पार्टिसिपेट कर लो। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट, स्किन केयर या फिर फैशन के प्रोडक्ट शेयर करती हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को, मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमर की। तो मैं आपको प्राइमर दिखाती हूँ, जो मुझे इस मंथ में बहुत पसंद आया है वो है NY बाई का प्राइमर। मतलब ये अच्छी खासी रेंज में आपको सस्ता प्राइमर मिल जाता है, और बिल्कुल मतलब ये महंगे वाले प्राइमर से ना बिल्कुल भी कम नहीं है। बहुत ही मतलब मुझे बहुत पसंद आया है यार, ये प्राइस के अकॉर्डिंग ये इतने अच्छे से मतलब पोर्स को मिनिमाइज कर दे रहा है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेटेड है। और पता है इसको जब मैंने अप्लाई करा था ना अपने मेकअप में, तो फेस ना मतलब मेरा जो लुक था इतना ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा था, क्या बताऊँ। और स्किन बहुत स्मूथ कर देता है। और इसकी रही प्राइस की बात, तो 225 रुपीज़ इसका प्राइस है, और आपको ये ऑब्वियसली डिस्काउंट मिल जाएगा पर्पल में, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा खासा प्राइमर है यार, मतलब महंगे प्राइमरों को भी ये मात दे सकता है, ऐसा प्राइमर है। मुझे बहुत पसंद आया है इस मंथ में। अब बात कर लेते हैं फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन में जो मुझे पसंद आया है ना, वो मुझे कोलैबोरेशन के लिए मिला हुआ था फाउंडेशन। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है पोज का HD फाउंडेशन, आप देख सकते हैं। ये पोज का फाउंडेशन है, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया है। मैं आपको इसे दिखाती हूँ, इसका प्राइस है 599 रुपीज़। ये मुझे ब्रांड ने भेजा था प्रमोशन के लिए। तो ये बहुत ही क्यूट सी डिब्बी में आता है, और ये स्टिक फाउंडेशन है, और आप देख सकते हैं। मतलब मुझे पता है फाउंडेशन कब पसंद आते हैं, जब वो मेरी स्किन पर ना बिल्कुल मस्त लगते एकदम, जब वो वाइट होते हैं ना एकदम, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते सीरियसली, क्योंकि ऑनलाइन सर्च करने में दिक्कत होता है। लेकिन ये फाउंडेशन ना फर्स्ट टाइम में ही इतना ज़्यादा सिलेक्ट करके मस्त फाउंडेशन आया था ना, मुझे प्यार हो गया यार इससे, आप देख सकते हो। मतलब ये मेरे फेस में ना, अगर इससे एक टोन ऊपर होता ना वो भी चल जाता मेरे फेस में, ये एग्जैक्ट जा रहा है। मतलब बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि मैंने फाउंडेशन लगाया है, आप खुद देख सकते हैं मेरा फेस और इसका कलर, आप देख सकते हैं एकदम मस्त। तो ये तो मेरे स्किन टोन में एकदम बहुत अच्छे से गया है। और सेकंड थिंग, ये बिल्कुल HD फाउंडेशन है, जैसे पिक्स में हम देखते हैं ना फेस बहुत अच्छा सा लगता है, बिल्कुल HD मैट लुक सा, मस्त सा, फ्लॉलेस सा लगता है, तो वही ये फाउंडेशन है, बिल्कुल HD लुक आपको ये प्रोवाइड करता है। माई ग्लैम करके एक ऐप है, उससे मुझे प्रमोशन मिला हुआ था, तो मुझे कुछ प्रोडक्ट उन्होंने भेजे थे, और मुझे सारे प्रोडक्ट पसंद आए हैं। अगर आप मतलब आपका बजट है ना थोड़ा सा ज़्यादा, तो आप आंखें बंद करके ना ये वाले प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। आप आंख बंद करके जा सकते हैं इन प्रोडक्ट के साथ, मुझे बहुत पसंद आए हैं। जो मैंने सिलेक्ट करके मंगाए थे ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, तो एक फाउंडेशन ये रहा मेरा इस मंथ का। और सेकेंड फाउंडेशन है नायका का। ये फाउंडेशन भी यार मतलब सीरियसली बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, लिक्विड कंसिस्टेंसी है इसकी, और ये मेरे कलर में बहुत अच्छे से गया था। अगर ये भी एक टोन ऊपर होता फाउंडेशन, तो ये भी इजीली चले जाता। नायका का फाउंडेशन और नायका का कॉम्पैक्ट, ओह गॉड, मैंने दोनों ट्राई करे हैं, और ये दोनों बेस्ट हैं, मतलब बेस्ट हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। फेस ना एकदम फ्लॉलेस लगता है अगर आपकी स्किन कलर का फाउंडेशन मिल जाए तो। तो मेरी स्किन कलर में ये दो फाउंडेशन एकदम मस्त मिले हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि फाउंडेशन मिलना ही
सबसे बड़ा टारगेट होता है मेरे हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट। ओके, तो कॉम्पैक्ट की बात करूँ तो फिटमी का कॉम्पैक्ट मुझे बहुत पसंद है। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, मतलब ख़त्म ही होने वाला है। तो इस मंथ भी मुझे यही प्यारा लगा है और यही मेरा फेवरेट है। लूज पाउडर की बात करूँ तो एसक्यू का इस मंथ मैंने बहुत यूज करा और मुझे बहुत पसंद आया है। तो एसक्यू का लूज पाउडर और फिटमी का कॉम्पैक्ट। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कंटूरिंग के लिए। तो इस बार मैंने ऑर्डर करी थी इनसाइड की ड्यू 2-in-1 स्टिक। तो इसका मुझे कंटूरिंग का जो स्टिक है ना, ये इतना ज़्यादा पसंद आया है। मतलब बहुत इजी होता है इस तरीके से इससे कंटूर करना, और कंटूरिंग का इसका जो कलर है वो मेरी स्किन टोन पे बहुत अच्छा जाता है। और सेकंड थिंग, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, एकदम नेचुरल कंटूरिंग लुक ये देता है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया है। इसके हाइलाइटर की बात करूँ तो हाइलाइटर मुझे ओके लगा है, कुछ खास नहीं लगा हाइलाइटर, तो ओके हाइलाइटर, बट स्टिक काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये है हाइलाइटर और कंटूरिंग मैंने आपको बता दी है। अब कुछ और दिखाती हूँ आपको, जो मेरा फेवरेट हाइलाइटर इस मंथ का है वो दिखा देती हूँ। ये है माई ग्लैम का मैजिक पॉइजन। तो ये हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद आया। पूछो क्यों आया, मैं आपको बताती हूँ इसका रीज़न, इसका प्राइस। अच्छा, मैंने प्राइस आप लोगों को और कुछ कुछ चीज़ों के नहीं बताया, मैं भूल गई हूँ। चलो इसका बता देती हूँ, 995 का इसका प्राइस है, 8 ml की बॉटल है। मैं बताती हूँ ये मुझे क्यों पसंद आया। आप देख सकते हो एकदम लिक्विड कंसिस्टेंसी में, आपने देखे हैं इस टाइप के हाइलाइटर अभी तक? मैंने तो कहीं भी नहीं देखा था लिक्विड कंसिस्टेंसी का हाइलाइटर इस तरीके से, तो बिल्कुल भी नहीं देखा था। मैंने वो देखा है, इल्यूमिनेटर देखा है, बट हाइलाइटर नहीं देखा है। तो इस हाइलाइटर की बात करूँ, ये मुझे क्यों पसंद आया मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप, इसको आप देख पा रहे हैं, मेरा जितना हाथ में मैंने लगाया है कुछ नेचुरल से हाइलाइटिंग ही कर रहा है। मतलब आपको सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर सा इस टाइप का नहीं लगेगा, एकदम जो नेचुरल होता है ना उस टाइप की शाइन है। जैसे मैं इधर पे लगा रही हूँ, ठीक है, तो आप इधर पे मैंने लगा रखा है, आप देख पा रहे होंगे। तो आप देख रहे हो उतनी जो मैंने लाइन में हाइलाइटर लगाया ना, वो अलग ही ग्लो कर रही है। और जो इसके अंदर ग्लोइंग मतलब कलर है ना, वो थोड़ा सा ना पर्पल सा है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एकदम यूनिक सा है, पर्पल है, आप देख पा रहे होंगे। मतलब सिर्फ ग्लो आपको दिखेगा कि स्किन ग्लो कर रही है, बट आपको बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं दिखने वाले हैं इसमें। आप जैसा कि देख सकते हैं, स्किन आपको ग्लोइंग ग्लोइंग लगेगी और कुछ नहीं लगने वाला है। तो हाइलाइटर में मुझे बहुत ज़्यादा जो पसंद आया है वो है माई ग्लैम का ये हाइलाइटर। और मैं बहुत लक्की हूँ कि माई ग्लैम ने मुझे अप्रोच करा, मुझे कोलैबोरेशन के लिए उन्होंने इनवाइट करा। और मैं बहुत ज़्यादा लक्की हूँ यार, अगर इतने जल्दी मुझे ब्रांड से इतने अच्छे अच्छे कोलैबोरेशन मिलने लगे हैं, तो आई थिंक उन्हें मेरा काम पसंद आ रहा होगा, इसीलिए वो मुझे कोलैबोरेशन दे रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, और इतना सारा सामान मुझे ब्रांड्स भेज रहे हैं। एक बार पता है क्या मन कर रहा है, मन ये कर रहा है कि आप लोगों के साथ ना कोलैबोरेशन का कलेक्शन शेयर कर दूँ, मन कर रहा है। तो देखती हूँ, जल्दी शेयर करूँगी। यार मैंने खुद कभी अपने पैसों से परचेज़ नहीं करी थी इतनी महंगी चीज़ें, करी थी बट कोई और ब्रांड्स की, जैसे शुगर की, मिलानी की, रेवलॉन की, रेवोल्यूशन की, इनकी करी थी, बट माई ग्लैम, मनीष मल्होत्रा कभी नहीं। मतलब मनीष मल्होत्रा का मस्कारा मेरा सपना था कि मैं परचेज करूँगी, इतना कॉस्टली नहीं था। बस 2 दिन पहले सपना देखा था और 2 दिन बाद ब्रांड ने मुझे खुद कोलैबोरेशन के लिए बोला और मेरा सपना पूरा होगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले कार्ड में वही ऐड करा था कि मुझे ये परचेज करना है, डेट्स इट। तो फिर ब्रांड ने बोला कि आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो मेरे पास मनीष मल्होत्रा का मस्कारा पहुँच गया और बहुत, मतलब कह सकती हूँ आपको कि ये A1 मस्कारा है। आप इजीली इसके साथ जा सकते हो। आईलेसेस मेरी काफ़ी छोटी हैं, मेरी मम्मू ने मुझे छोटू आईलेसेस दी हैं, बिकॉज मैं मम्मू का छोटा बच्चा हूँ, बट इट्स फाइन। तो मैंने मनीष मल्होत्रा का जब मस्कारा लगाया ना, ओ गॉड, मेरी आईज का ना लुक ही चेंज था। तो मुझे बहुत पसंद आया है। अच्छा, ये मैं प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को मैं बता रही हूँ इस मंथ के मेरे फेवरेट प्रोडक्ट। तो उन्हीं में से ये हैं जो मुझे ब्रांड ने भेजे हैं। तो ये कोई कोलैबोरेशन नहीं है, उसका कोई मतलब रिव्यू वगैरह कुछ नहीं है, ये मुझे सचमुच पसंद आया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मनीष मल्होत्रा का मस्कारा बहुत मस्त है। इसका प्राइस कितना है मैं आपको बता देती हूँ, 850 rupees इसका प्राइस है। तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो गाइज, नेक्स्ट है माई ग्लैम का मनीष मल्होत्रा ग्लिटर आईलाइनर। आप सोच रहे होंगे आज दी अपना माई ग्लैम का कलेक्शन ही दिखा रही है। गाइज, मुझे सचमुच इस मंथ में ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आए हैं। तो नेक्स्ट मुझे ये बहुत पसंद आया था, कुछ इस टाइप का होता है ये,
और मैंने यही कलर मंगाया था इसका, और इससे मैंने आई लुक भी काफ़ी क्रिएट करे हैं। आपने मेरी शॉर्ट वीडियोज़ देखी होंगी तो मैंने काफ़ी आई मेकअप भी करे हैं इसके साथ। और इसका ना जो ये ग्लिटर आई लाइनर है ना, ये मुझे काफ़ी पसंद आया यार। आप देख सकते हो इसके जो छोटे छोटे से इसमें ग्लिटर है ना, आप ये देख पा रहे हैं जो इसमें छोटे छोटे से ग्लिटर है ना, ये अलग ही है यार। मतलब मैंने और भी ब्रांड्स के यूज करे हैं, ये इतना स्मूथली चल जाता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ लगा रहे हैं, बहुत ईजीली चल जाएगा ये। और ऐसा नहीं है काफ़ी टाइम से मैं यूज कर रही हूँ, इतनी सी छोटी सी ये निब है, काफ़ी टाइम से चल रही है। तो नेक्स्ट मुझे ये बहुत पसंद आया है इस मंथ। अच्छा अब बात कर लेते हैं ब्लश की, ठीक है। तो ब्लश तो मेरे पास बहुत सारे हैं वैसे, बट इस मंथ मुझे ब्लश पसंद आया था शुगर का 05 कोरल क्लाइमैक्स। ओके ये शेड ना, ओ गॉड, मतलब यार इतना ब्यूटीफुल है ना। अगर आपको कोरल टाइप का कलर पसंद है, ऑरेंज में लाइट ऑरेंज कोरल पीच सा जो कलर होता है वो पसंद है ना, तो आप इजीली इसे परचेज कर लो। मतलब बहुत अच्छा कलर है इसका ना। ब्लश का कलर जो है मैं आपको दिखाती हूँ, आपको खुद समझ आएगा किस टाइप का है। एक तो ये एक ही टच में इसकी पिगमेंटेशन इतनी अच्छी है। शुगर के प्रोडक्ट ना आप इजीली परचेज कर सकते हो, आपको कोई भी प्रोडक्ट दिक्कत नहीं करेगा, जो मैंने दिखाए हैं स्पेशली वो तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो गाइज़ ये वाला पीच कलर बहुत अच्छा है, इसके मेरे पास और भी सारे शेड रखे हुए हैं, आपको दिखाती हूँ मैं, ठीक है। खाली बोल बोल के क्या फ़ायदा दिखाई देती हूँ। तो एक मेरे पास है पीच पीक, आप ये वाला शेड देख लो, और एक मेरे पास है 03 मोवे मार्वल, ये वाला शेड देख लो आप, और एक है मेरे पास 01 वाली, ये पूरी ये किट है। इसमें आपको कॉन्टोरिंग के लिए मिल जाएगा, हाइलाइटर मिल जाएगा, और एक आपको इसमें ब्लश मिल जाएगा, ठीक है। तो एक ये है मेरे पास इसकी, और एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। तो शुगर के मेरे पास ये चार हैं, और इसमें मुझे इस मंथ जो सबसे बेस्ट लगा था वो था कोरल क्लाइमैक्स। ये बहुत मस्त कलर है, मैं आपको इनके शेड दिखाती हूँ जो छोटी वाली हैं, आपको ना खुद देख के लगेगा यार कितना मस्त है, आप खुद देख सकते हैं। ये मुझे सबसे अच्छा लगा इस मंथ। तो यार मेरी शॉपिंग तो चलती रहती है इसलिए मेरे पास सामान बहुत सारा है। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट क्या दिखाऊँ, लिपस्टिक दिखाती हूँ। इस मंथ जो मुझे सबसे अच्छी लिपस्टिक लगी है वो है तीन। फर्स्टली है माई ग्लैम की, यार मतलब जो गिव अवे अभी मैं अनाउंस करूँगी, धमाका गिव अवे, देखती हूँ। उस बार मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं कुछ माई ग्लैम से भी ऑर्डर करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, कुछ स्पेशल सा पार्सल भेजूँगी आप लोगों के लिए, तो देखती हूँ क्या देती हूँ। तो एक तो है ये लिपस्टिक, आप इसका कलर खुद देख सकते हैं यार, इतना गॉर्जियस कलर है ना, आप खुद देख सकते हैं यार। मतलब ये मैंने मंगाया था ना, मुझे लग रहा था यार पता नहीं कैसा कलर लगेगा मुझ पर, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद आया। आप लोग के कमेंट तो मुझे सातों आसमान चढ़ा देते हैं। और नेक्स्ट है पर्पल का ये वाला शेड, इसकी भी आप लोगों ने बहुत तारीफ़ करी थी कि दी मतलब एकदम सूट कर रहा है आप पर, और मुझे भी वीडियो पोस्ट करने से पहले यही लग रहा था, और फिर आप लोगों ने तो मतलब मुझे सातों आसमान चढ़ा दिया था। ये वाला शेड बहुत ब्यूटीफुल है, न्यूड में शेड है ये, काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट ये है पिंक टाइप का कलर, ये पर्पल की लिपस्टिक है, बैक बेंच पार्टनर 04। तो इसका शेड है कुछ पिंक सा, मतलब जो गर्लिश टाइप शेड होता है ना उस टाइप का शेड है ये, मुझे बहुत पसंद आया। कुछ भी हॉल वगैरह शेयर करने के लिए तो नॉर्मल ये लिपस्टिक लगाकर मैं बैठ जाती हूँ, तो मुझे इस मंथ ये लिपस्टिक भी बहुत अच्छी लगी है। कंसीलर की रही बात तो कंसीलर मेरा मोस्ट फेवरेट है फिटमी का, और यही मेरा फेवरेट है यार, ये इतना मस्त आता है ना फिटमी का सामान। अगर आप टीनेजर हैं ना, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं इधर उधर मतलब भटकना चाहते, तो फिटमी के सामान के साथ चले जाओ, आप लोग खुश रहोगे सीरियसली। अच्छा एक और मस्कारा मुझे इस मंथ बहुत पसंद आया है, सिर्फ माइग्लैम का नहीं पसंद आया, एक और पसंद आया है, वो है लैक्मी का मस्कारा, और इसका कलर कुछ यूनिक सा है, ब्लू कलर, आप देख सकते हो यार। इसके साथ ना लुक इतना अच्छा आ रहा है, अगर आपको राखी में मेकअप लुक करना है ना, मैंने एक लुक क्रिएट करा हुआ है ब्लू कलर का, आप वो वाला ना बहुत इजीली कर सकते हो। ब्लू कलर का मस्कारा लगा लो, ब्लू कलर का काजल लगवा लो, ओए हाय क्या मस्त लगोगे यार सीरियसली। तो ब्लू कलर का मस्कारा इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा है। रही काजल की बात, तो इस बार मैंने वाइट काजल बहुत यूज करा है, मुझे बहुत पसंद आया SQ का वाइट काजल, ये मुझे काफ़ी पसंद आया है। और इस बार आईब्रोज के लिए मुझे किट पसंद आई है स्विस ब्यूटी की, इससे मैंने काफ़ी बार आईब्रोज फिल करी है,
आपने देखा होगा ये डिब्बी मुझे यूज करते हुए बहुत पसंद आई है मुझे। वेट एंड वेल्ड की भी मुझे पसंद है बट मुझे स्विस ब्यूटी की काफ़ी पसंद आने लगी है। तो नेक्स्ट ये है। रही बात आईलाइनर की, इस बार मैंने NY बाई के आईलाइनर से मेकअप लुक क्रिएट करे थे तो ये मुझे बहुत पसंद आया है NY बाई का आईलाइनर। और एक वो आईलाइनर मैंने आपको दिखा दिया ग्लिटर वाला, उसमें बहुत सारे शेड आते हैं, आप कोई और भी शेड परचेस कर सकते हैं। तो लास्ट ये है, इसके बाद तो और कुछ नहीं है। अरे हाँ है, अभी आईलेसेस रह गई हैं, नायका की आईलेसेस हैं, ये मुझे काफ़ी पसंद आई है और इसका नाम है जस्ट इनफ ड्रामा। जस्ट इनफ ड्रामा यार इतनी मस्त है, मैंने इसको 3 या 4 लुक में लगाया है, मतलब मैंने कट कर ली थी जो एक्स्ट्रा थी तो मैंने इसे यूज करा है। यार लुक की चेंज हो जाता है, एक तो आईलेसेस लगा लो बिल्कुल लुक ही आपका चेंज हो जाएगा, और ये जो इसकी शेप है ना, और प्राइस भी बहुत अच्छा है यार इसका, ओनली ऑन 199 रुपीज़ यार, तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, इतना तो आईलेसेस आती है महंगी। तो अब लास्ट रहा है आई शेडो पैलेट। तो यस, आपके जीजू की डायरी आपके जीजू से डायरी बोलते हैं और अब तो ये भी हर्ट्स भी से डायरी ही बोलने लगे हैं। तो गाइज़ इससे ना मैंने इतने लुक क्रिएट करे हैं, सच्ची बता रही, मतलब मैं इस पैलेट को ना आंखें बंद करके लेकर बैठ जाती हूँ, जैसे मुझे कोई भी लुक करना होता है ना तो मैं इजीली अपनी आईज बंद करके सोचूंगी कि अच्छा ठीक है मुझे ये लुक क्रिएट करना है तो ये ले लो, बस ये ले लो, इसमें सारे कलर हैं, आपका कोई भी लुक क्रिएट हो जाएगा। आप खुद देख सकते हैं इसमें वाइट से लेकर रेड से लेकर ब्लू, आपको सारे डार्क कलर, लाइट कलर, ग्लिटर कलर, शिमर कलर, सारे सब कुछ मिल जाने वाला है। इसमें आपको 96 कलर्स मिलते हैं गाइज, और ये सिर्फ और सिर्फ अंडर 600 रुपीज़ की है, और पिगमेंटेशन ना एक लेवल है। मैं आपको पिगमेंटेशन इसकी चेक करवाती हूँ, थोड़ा न्यूड शेड की चेक करवा देती हूँ और येलो की चेक करवा दूँ। यार मैंने पता है जो आई शेडो वाला करा हुआ है उसमें भी मैंने आपको इसके स्वेचेज आई थिंक दिखाए हैं, ऑब्वियसली मैंने दिखाए होंगे कुछ स्टेप का भी ले लेते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ उनके स्वेचेज, आप खुद देख सकते हैं। फिंगर्स में दिखा देती हूँ जैसे मैंने उस दिन दिखाया था आपको। फर्स्टली आप इसका स्वेच देखो यार, मतलब पिगमेंटेशन ना एक लेवल है, मतलब बहुत अच्छी है यार। आप ये देखो येलो वाला, येलो कहाँ इतने पिगमेंटेड होते हैं यार ये कलर, ये देखो ग्रीन कलर देखो आप, एक में इतनी पिगमेंटेशन ना आपको इजीली किसी पैलेट में नहीं मिलने वाली गाइस, आप खुद देखो बहुत अच्छे कलर हैं इसके। अगर आपको परचेज करनी है ना तो आईज बंद करके इसे आप परचेज कर सकते हो, मैं कह रही हूँ आपको। तो लास्ट यही थी, तो गाइस बस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो डेट्स इट गाइस, यही थी आज की वीडियो, तो यही थे मेरे इस मंथ के फेवरेट प्रोडक्ट। तो अब मैं देखती हूँ नेक्स्ट आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी नो मिरर मेकअप चैलेंज, आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे नो मिरर मेकअप लुक की, तो देखती हूँ लेकर आती हूँ, या फिर अभी मुझे स्मिटन का भी बनाना है तो अभी बहुत कुछ काम पेंडिंग भी जा रहा है क्योंकि अभी डेली वीडियोस तो मैं डालूंगी नहीं, एक दिन छोड़ के डालूंगी, शॉर्ट्स वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी, आप लोग वो इन्जॉय करिए। और जो बचे हुए दिन होंगे जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालूंगी उस दिन की वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट में, तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो डेट्स इट गाइज, यही थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी, और जो गिव अवे के 4 वीडियो के लिंक हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।